सर, अब एक जो अगला सवाल है वो राहुल गांधी को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी की अगर बात करें तो 10 साल वो विपक्ष में रहे हैं, 10 साल में लगातार उनको एक तरीके से जो इनकी कोशिश थी कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करें, उनको पप्पू का नाम देना, उनको टारगेट करना, उनको कुछ कहना, लेकिन इसके बावजूद अब तक ये तो देखा गया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं और ये सीधी टक्कर उन दोनों के बीच में मानी जाती है। आप क्योंकि राहुल गांधी को लगातार देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, उनसे बातचीत करते आए हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके बाद भारत न्याय यात्रा करना, अब लगातार अलग अलग जगहों पे वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी में कितना बदलाव आप देखते हैं? और जो बीजेपी की ओर से उनके इमेज को, छवि को खराब करने की कोशिश की गई 10 साल तक, उसके बावजूद राहुल गांधी इतने उभरे या इतना बात करते रहे हैं और अब कोई उनको पप्पू नहीं कहता, कोई वो इमेज जो बीजेपी की ओर से बनाने की कोशिश की गई थी, शायद उनका वो मिशन फेल 2024 के चुनाव में होते हुए नजर आया। तो इस राहुल गांधी की जर्नी को आप कैसे देखते हैं और आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के इस पूरे जो अभी भी भाषण वो करते हैं, वो हर जगह पे अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, वो न्याय यात्रा की बात करते हैं, फिर हम प्रियंका गांधी पे भी बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की इस पूरे यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मैं उनसे मिला था सबसे पहले 2015 जनवरी में, और तब से आज तक देखते आए हो। मतलब उस पिछले 10 सालों में लगभग उनको हमने एज अ जर्नलिस्ट भी देखा है। तो कितना बदलाव उन्होंने अपने आप में लाया है ये तो सबके सामने है। भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो जो पूरे इंडिया में घूमे 10,000 किलोमीटर टोटल, तो वो 10,000 किलोमीटर में वो फ्रॉम कल्चर टू एग्रीकल्चर हर क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो युवक हो, युवतियां हो, उद्योजक हो, कोई भी हो, सभी से वो जाकर मिल रहे थे। मतलब जब यात्रा नहीं थी तब भी हमने देखा वो कुलियों के साथ जाके दिल्ली में मिल रहे थे, कहीं सब्जी वालों को जाके मंडी में काम करने वालों से मिल रहे थे, तो वो मिल रहे थे, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या समस्या है और किस तरह से उनको न्याय दिया जा सकता है। ये सब पूरी कोशिश हो रही थी, और उस इंटरेक्शंस के जरिए पूरे देश को पता चल गया कि ये जिस तरह से इमेज बनाई गई थी पप्पू की, उस तरह से ये नहीं है। जो इमेज बनाई गई थी कि ये एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, तो ये रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, ये बहुत अपना समय, एनर्जी, हर चीज इन्वेस्ट कर रहा है इस इन इन दो यात्राओं के बीच में, जिंदगी दांव पे लगा दी थी। मतलब आप मैं कई बार ये सोचता हूँ कि तमिलनाडु जैसा स्टेट जहां पर उनके पिताजी के शरीर के चिथड़े उड़ गए, वहां पर वो खुले आम लोगों में जा रहे थे, मिल रहे थे, किसी को भी बुला रहे थे, उससे बात कर रहे थे, तो कहीं भी अपनी जान की परवाह किए बगैर। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमको याद है पहली बार जब उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ और शीशे तोड़े गए, दूसरे दिन से उन्होंने ओपन जीप में घूमना शुरू किया, तो उन्होंने उन पत्थर मारने वालों को भी एक संदेश दे दिया, वो जो कहते हैं डरो मत, तो वो खुद उन्होंने दिखाया कि नहीं डरूंगा। तो ये सिग्नल शायद आम आदमी को समझ में ना आए, लेकिन वो पत्थर मारने वालों को समझ में आता है, तो उनको पता चल गया कि ये डरने वाला नहीं है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया। कोविड जैसे पीरियड में जब पूरा लॉकडाउन था यहाँ पर, तब वो रस्ते पर पैदल चल रहे हैं, चल चलकर घर जाने वाले मजदूरों को जाकर मिल रहे थे, वो रघुराम राजन और बड़े बड़े अमर्त्य सेन जैसे लोगों के साथ वीडियो इंटरेक्शंस कर रहे थे कि इस किस्म की सिचुएशन से हल क्या निकाला जाए, तो जी वो हल ढूंढने की कोशिश तब से कर रहे हैं, और वो हल ढूंढने की कोशिश उनकी अभी इस न्याय पत्र से वो सामने आई है कि उन्होंने क्या-क्या इसके बारे में सोचा है। वो बिल्कुल ये बात सामने आ रही है कि वो उन्होंने क्या सोचा है, और वो जो पूरी इमेज बनाने की कोशिश की गई थी वो तो ध्वस्त हो गई। उनकी झूठी छवि बनाने की जो कोशिश की गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वो जो पूरी डायनेस्टी का एक एलिगेशन उनके ऊपर लगता था वो अब कहीं का नहीं रहा, क्योंकि भाजपा खुद इतनी डायनेस्ट हो गई है। नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कर रहे थे, वो अपना भाषण कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकते है, देश तो दूर की बात हो गई। तो ये लोगों को अब धीरे धीरे 10 साल में समझ में आ गया, और
इसका असर देखने को मिलेगा 100% इस चुनाव में। लेकिन यही तो डरो मत की बात को लेकर अब नरेंद्र